हमेशा सब तो पहला तो जरा सा दे उपर ही तबला ट्यून करना है। अगर तबला सा दे उपर ट्यून नहीं हुंदा तां पाते करना, पाते नहीं हुंदा ते फिर माते करना। अगर किसी राग च पा वर्जित है ते माते करना है, जे मा वर्जित है पाते करना, जे दोनों वर्जित है तो फिर वादी सुर ते तबले नूं ट्यून करना। तां मैं समझदा कि अज दे इस एपिसोड तों तुहानूं बहुत सारी जानकारी मिली होगी और चंगी लगे वीडियो तो शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर चैनल करो। दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो पहुँचाओ। दोस्तों सत श्री अकाल, सलाम आदाब नमस्कार जी, मैं थोड़ा अपना भाई भोला जी अमला और अज के इस एपीसोड में जुड़िया जिन्हें साड़िया सत्कारत शख्सियत सुनने वाले कला प्रेमी संगीत के जिज्ञासु जिन्हें भी वीर भरा है जुड़े उन्होंने सारे बहुत बहुत स्वागत है जी। तो एक होर बेनती है सारों कि इस चैनल में वो सबसक्राइब करो, शेयर करो तो बैल आइकोन प्रेस कर लो ताकि जड़िया नवी वीडियोज़ अपडेट्स है तो तक सब तो पहला पहुँचन। तो अज के इस वीडियो असी गल कर जा रहे अज तबले ट्यून कर तबला जिहड़ा हुंदा उहनूं ट्यून किवें करीदा और किहड़े सुर ते करीदा। बहुत सारे वीर सज्जना वालों मैसेज साढ़े इनबॉक्स ते आए आ जां परसनली फोनां ते आए आ कि तुसीं क्लासिकल संगीत दे नाल नाल तबले दे बारे भी जरूर दसो। तो मैं अक्सर जिहड़ा नोट कीता जां देखिया उह इह है कि क्लासिकल संगीत दे नाल नाल जिहड़ा तबला वजदा जां गुरबाणी संगीत दे नाल तबला वजदा तां उहदे च जिहड़ा रस दे लई मिठास दे लई तबला ट्यून होना बहुत जरूरी है। तो तबला ट्यून किवें करीदा तो उस बारे आप डिस्कस करते हैं। सब तो पहला जिहड़ा तबला है सब तो पहला तो अपन ये देखना पैंदा कि जिहड़ा तबले का चट्टू है ये किहड़े सुरते है और तबला किहड़े सुरते है। सब तो पहला तो ये देखना पैंदा है तो जे तबले का सुर उच्चा करना तो अपन थौड़ी दे नाल उच्चा कर सकते हैं और जे तबले का सुर नीवा करना तो नीवा कर सकते हैं। सब तो वड्डी जिहड़ी मेन गल है जी कि तबला ट्यून करन दे लई तबला वादक नूं सुर दा ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है सुर दा ज्ञान। अगर उन्हूं सुर दा ज्ञान नहीं है तो तबला ट्यून कर पाना बहुत मुश्किल है। तो तबला ट्यून करना सब तो सौखा ताही हो सकता जे उन्हूं सुर दा ज्ञान हो। तो इस तों इलावा जिहड़ा मेन गल आ जांदी है फिर कि तबला किस सुर ते करिए ट्यून नूं तां कि जिहड़ा रंग पूरा बजे और रस पूरा पैदा हो, मिठास बने। तो संगीत दे विच सब तो पहला तो जिहड़ा गायक जा वादक जिहदे नाल प्रसंगत तबले ते कर रहे हैं वह किहड़े साज ते गा रहे हैं तो उस साज दे उपर आपां तबले नूं सुर करना है। सपोज करो कि सिंगर जां शब्द गाउण वाला बंदा पहले काले तों मान लो सी शार्प तों शब्द नूं गा रहा, गज़ल नूं गा रहा, गीत नूं गा रहा, कुछ भी गा रहा तो साडा जिहड़ा तबला है ते चट्टू है जिहड़ा इह पहले काले ते सुर होना चाहिए ता उस तो अगर कोई तबला गाउण वाला सुर जो उन्होंने दूसरा काला है तीसरा काला है सपोज करो अपने को चट्टू है वह पहले काले से लगता है तो दूसरे काले से नहीं मैच करता तो अपना सुर जोड़ा मैच नहीं करता इस करके तबले में प्रॉब्लम आ सकती है। उस कंडीशन के सानू जोड़ा है जोड़ा गायक का जोड़ा पंचम सुर हों उस सुर करना चाहिए। मन के चलो जिस पहले काले से उगा रहा तो सानू चौथे काले ते तबले नूं ट्यून कर लेना चाहिए। जे साडा पहले काले ते नहीं हुंदा तो चौथे ते कर लेना चाहिए, नीवा हो जाए नीवा स्केल ते कर सकते। अगर कई इस तरह के राग हैगे जां शब्द गायन विच कोई इस तरह के राग की वरतों हुंदी है तो उदों कुछ चीज़ां हुंदियां उदों आपां जिन्हां विच पा सुर वर्जित हुंदा है। मन के चलो राग एक इस तरह इस तरह के बहुत सारे राग है जिन्हें पा वर्जित है जिमें राग मालकौंस चंद्रकौंस अभोगी कंडा यहोजे रागों के जो जो पा वर्जित है तो उदों असी राग के जां तां सा ते सुर करना है तो जां मां ते सुर करना है, मध्यम ते सुर करना है। और बहुत सारी कंडीशनों के एक होर कंडीशन आ जाती है कि कई रागों के मां शुद्ध नहीं लगता उदों पा की जगह पर मां ते करना हो तो फिर प्रॉब्लम आती है तो उदों आपां नूं पा ते सुर ते करना है। जिवें राग कल्याण जमन कल्याण हो गया, राग मधुबंती च मां शुद्ध नहीं हुंदा, राग कलावती दे विच शुद्ध नहीं हुंदा, इस करके आपां पा दे उपर उहनूं सुर कर सकदे हां।
ਤੇ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਰਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗ ਸੋਹਣੀ ਰਾਗ ਮਾਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਗਾਲੇ 'ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਉੱਚੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਟਿਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਬਲਾ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਬਲਾ ਟਿਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਤੇ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਬਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਲਾ ਫੜਨ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਬਲਾ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤਬਲਾ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਗ 'ਚ ਪਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਵਰਜਿਤ ਤਾਂ ਪਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਸੁਰ 'ਤੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।